दोस्तों आजकल हम लोग कुछ ज़्यादा ही एप्पल के आईफोन्स के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, तो अगर आपको एप्पल आईफोन 12 के लीक्स के बारे में जानना है तो आप ये दो वीडियोस को ज़रूर देख सकते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें एप्पल आईफोन 12 के बारे में पता चल ही जाएंगी। एनीवेज गाइस, एप्पल आईफोन 12 एक ऐसा प्राणी है जिसे हर इंसान अपनी जेब में चाहता है। अगर आप किसी इंसान से भी पूछ लो कि भाई एंड्रॉयड फ़ोन लोगे या आईफोन, तो वो ज़रूर कहेगा भाई आईफोन लेना है। इंसान के पास पैसे आएंगे ज़्यादा तो भाई वो आईफोन्स को ही अप्रोच करेगा। ऑब्वियसली ऐसी ब्रांड इमेज बनी हुई है एप्पल की। तो गाइस मैं मजाक नहीं कर रहा, एप्पल के आईफोन्स सच में सस्ते होने वाले हैं इंडिया में, और उसके पीछे के रीजंस भी आपको बताऊंगा जो हैं, और कौन कौन से मॉडल्स हैं जो आपको सस्ते देखने के लिए मिल सकते हैं एप्पल के, वो भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप ऐसी वीडियोस मिस ना कर पाओ। दोस्तों जब मैं ये कह रहा हूँ कि एप्पल के आईफोन सस्ते हो जाएंगे, मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि जो पुराने वाले आईफोन्स हैं, पुराने मॉडल्स हैं, वो सस्ते होंगे। मैं यहाँ पर आईफोन 12 की बात कर रहा हूँ, वो आपको थोड़ा सस्ता रेट्स में देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तुम उसको एक्सपेक्ट करो 20 से 25 हज़ार में आ जाए, वो ऐसा नहीं होगा। मतलब जो प्राइस आता है उससे थोड़ा कम प्राइस में होगा। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ और पूरा सीन बताता हूँ कि आईफोन 12 का चल क्या रहा है। इंडिया में आईफोन 12 को चेन्नई के प्लांट में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है विस्टर्न को, जो बेसिकली आईफोन्स को ही मैन्युफैक्चर करती है ये कंपनी, और ये ताइवान की कंपनी है। यहाँ पर ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं 2,900 करोड़ रुपीज़। तो मैं आपको वो रीज़न्स बता देता हूँ कि क्यों ये इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं आईफोन्स। तो आप जानते होंगे कि रिसेंटली इंडिया में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं, जैसे आप रिलायंस जियो का एग्जांपल ले लो, फेसबुक ने उसमें इतना ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट किया, फिर गूगल ने भी इन्वेस्टमेंट किया आई गेस। इससे बहुत ज़्यादा कंपनीज अट्रैक्ट भी हो रही हैं। कई एक और सीन चल रहा है चाइना और यूएस के ट्रेड वॉर का, तो यहाँ पर जो यूएस की कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, तो अपने जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं चाइना में, उनको निकाल निकाल के दूसरी कंट्रीज़ में सेटअप कर रहे हैं, जैसे ताइवान हुई और वियतनाम, और इंडिया में भी सेटअप कर रहे हैं ऐसे प्लांट्स। दोस्तों अगर आप कभी पानी पूरी वाले के पास जाते हैं तो आपको एंड में सूखी पूरी तो खिलाते ही, इसी तरह एप्पल ने भी एक सूखी पूरी हमें खिलाई है। एप्पल ने आईफोन SE का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है जुलाई में इंडिया के अंदर। आईफोन SE जो है वो एप्पल का एक बजट स्मार्टफोन है, बजट आईफोन है। तो भाई बजट से ये मत सोचना कि भाई वो हमारे बजट के हिसाब से, वो एप्पल का बजट है, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। गाइस मुझे ये भी लगता है कि एप्पल के आईफोन जब सस्ते होंगे तो बहुत सारे यूज़र उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। गाइस सेकेंड हैंड मार्केट में भी आपको बहुत सारे आईफोन देखने को मिल सकते हैं चीप रेट्स में, यानी जो आईफोन 6-7 है वो आपको 12-13 हज़ार के अराउंड देखने को मिल सकते हैं अच्छी कंडीशन में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे यूज़र्स को एप्पल के आईफोन यूज़ करने का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि और कौन से आईफोन्स हैं जो इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। सबसे पहला है आईफोन 11, इसका प्रोडक्शन इंडिया में जुलाई में स्टार्ट हो चुका है, और इसका कॉन्ट्रैक्ट भी फॉक्सकॉन कंपनी को मिला है। फॉक्सकॉन भी एक विस्टर्न की तरह कंपनी है जो आईफोन्स को मैन्युफैक्चर करती है। आईफोन XR भी है जो फॉक्सकॉन इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रही है। अगर हम आईफोन के थोड़े छोटे मॉडल्स की बात करें, जो आईफोन 7 है और आईफोन 6S है, वो इंडिया में मार्च 2019 से बनाए जा रहे हैं। जब भी आप अगर इन फोन्स को देखोगे ये कंपैरेटिवली आपको बहुत सस्ते प्राइस में देखने को मिल जाएंगे। तो आईफोन 7 और 6S का मैन्युफैक्चर बैंगलोर में किया जा रहा है। गाइस इतने सारे आईफोन्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, इसका सबसे अच्छी बात ये कि हमें ये सस्ते प्राइस में मिल जाएंगे, क्योंकि अगर ये बाहर से बन के आते तो इस पर टैक्स लगता, इन फोन्स पर टैक्स लगता जो हमें पे करना पड़ता। तो अब हमें वो टैक्स नहीं भरना पड़ेगा क्योंकि पहले से ही उसी सस्ते प्राइस पे आएंगे थोड़े, और बहुत ज़्यादा लोग इसे अब अफोर्ड भी कर पाएंगे। एक और अच्छी न्यूज़ ये है कि एप्पल अपना पहला स्टोर खोलने वाला है इंडिया में बहुत जल्द, इसकी अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। तो मैंने सोचा कि वीडियो के एंड में आपको बता दूँ। तो आपने अगर देखा हो कि कुछ इस तरह दिखता है एप्पल का स्टोर, जहाँ पर भाई बेहतरीन मोबाइल रख रहते हैं, आप जाके टेस्ट कर सकते हो, सब कर सकते हो। अभी के लिए तो एप्पल का कोई भी स्टोर नहीं है, और पहला स्टोर आई गेस मुंबई में खोला जाएगा। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, ज़रूर जाऊँगा अगर हुआ तो। वैसे गया तो नहीं हूँ मुंबई में, छोटा था जब गया था। तो एप्पल का जो पहला स्टोर है वो मुंबई में खोला जाएगा। तो बस फिलहाल के लिए वीडियो में गाइस इतना ही, यही मुझे कुछ बताना था आपको। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट कर देना कि अगर कुछ डाउट होगा। वैसे तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली।